डियर व्यूअर्स, जय हिंद। ये क्लासिफिकेशन के ऊपर मेरा बृहद वीडियो है, इसको आप ध्यान से देखिए। ये तो वही देखें जिनको अच्छी तरह से तैयारी करनी है और बोर्ड के एग्जाम के जो एस्पिरेंट्स हैं और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, बाकी के लिए ये नहीं है, क्योंकि ये एक आनंद का वाला वीडियो नहीं है, ये आपके ज्ञानवर्धन के लिए है। तो हम लोग सबसे पहले लेते हैं मोनेरा को। मोनेरा में सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है, जैसे बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटी तथा प्रकाश संश्लेषित साइनोबैक्टीरिया। इसमें केंद्रक एवं अन्य झिल्लीयुक्त अंगक नहीं होते हैं, लेकिन अधिकांश मोनेरा के सदस्यों में कोशिका भित्ति कठोर होती है। हमको ऐसा कह सकते हैं कि मोनेरा में वो सारे जीव आते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, ये कोशिकीय होते हैं। ये प्रोटोजीवा को हम लोग प्रथम जीव कह सकते हैं और ये मोनेरा के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं दूसरा जो है वो है प्रोटिस्टा। इसके में ज़्यादातर को कोशिकीय यूकैरियोटिकों का रखा गया है। ये मुख्य रूप से स्वपोषी प्रकाश संश्लेषी जीव होते हैं और प्रोटिस्टा में प्रायः फ्लैजिला एवं सिलिया पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा, यूग्लिना और डायटम, ये सब भी आते हैं। ये सभी के सभी जो हैं वो कि एक कोशिकीय और एक से ज़्यादा कोशिकाओं का समूह है। हम देखते हैं कि मोनेरा को और प्रोटिस्टा को पहले जब सूक्ष्म जीवों का खोज नहीं हुआ था तो बैक्टीरिया को भी चूंकि मोनेरा में ही रखा गया था, तो प्रोटिस्टा और मोनेरा दोनों एक ही ग्रुप था, लेकिन बाद में जब पता चला सूक्ष्म जीवों का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तब इसको अलग अलग कर दिया गया। ये हम लोग पढ़ सकते हैं क्लेरोस्टेनियस के क्लासिफिकेशन के अंतर्गत, ये सभी जो उनका पुस्तक था उसी में ये सब दिया हुआ है। प्लांटी के अंतर्गत इसमें सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी पौधे आते हैं। आयु जगत में शैवाल, बायोफाइटा, टेरिटोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म आते हैं। ये कोशिकीय आवृत बीजी और अनावृत बीजी पौधों का समूह है जिसका वर्गीकरण किया गया है। तो हम लोग आगे देखते हैं कि ये पुष्पीय पादप जो है इसी रूप में इसमें पाए जाते हैं, प्लांटी में, चाहे किसी प्रकार का पौधा वो सभी प्लांटी में ही आता है, ठीक है। इसमें भी उसका सब ग्रुप है अलग अलग, बार में हम बारी बारी इसको ध्यान से देखेंगे। ये कवक में, ये कवक जो है वह जितने भी खाज, खुजली और नोचनी उचनी जो होता है, खुजली, वो सब का कारक ये कवक ही होता है। यूकैरियोटिक विषमपोषी है, इसमें क्लोरोफिल का अभाव होता है। कवक एक कोशिकीय यीस्ट तथा बहुकोशिकीय मशरूम दोनों होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की ना होकर के काइटिन का बनी होती है। कुछ कवक सहजीवी के रूप में शैवाल मिलकर लाइकेन बनाते हैं। हम कह सकते हैं कि शैवाल और कवक दोनों का पहला प्यार है लाइकेन, इन दोनों के मिलने से ही लाइकेन का निर्माण होता है। अब हम आते हैं लास्ट और क्लासिफिकेशन का अंतिम दौर में, जिसको हम लोग एनिमेलिया कहते हैं। एनिमेलिया के भी बहुत सारे मेमेलिया, रेप्टिलिया इसका सब ग्रुप है। हम लोग भी मेमेलिया में आते हैं। रेप्टिलिया में लौटने वाले या रिंग रिंग कर चलने वाले जीव आते हैं, जिसमें कशेरुक दंड पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एनिमेलिया में इस जगत में विषमपोषी यूकैरियोटिकों को रखा जाता है। ये बहुकोशिकीय होते हैं और इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इनमें पोषण प्राणी समपोषी होता है, इसमें हाइड्रा, केचुआ, तिलचट्टा, स्टारफिश, मछलियां, पक्षी, सरीसृप, स्तनधारी आदि जंतु आते हैं। हम जब सेल देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि हमारे में, यानी कि एनिमेलिया श्रेणी के जीव में जो जंतु होते हैं उनमें सेल वाल नहीं पाया जाता है, और वहीं पे प्लांटी में सेल वाल पाया जाता है। ये ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि यहीं पे बच्चों से या तैयारी करने वालों से भूल होती है। तो आप ध्यान रखेंगे कि कोशिका भित्ति सिर्फ पौधों में पाई जाती है और कोशिका झिल्ली पौधों और जंतु दोनों में पाई जाती है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखूँगा। आपको कैसा लगा आप कमेंट कर सकते हैं, और जो भी प्रश्न है उसको कमेंट में लिख सकते हैं, और जितना हो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि मैं बारी बारी से कराते जा रहा हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तभी आपको आगे की वीडियो का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हर तरह से तैयारी के वाला स्टूडेंट के लिए, वो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में इतना ही रखूँगा। जय हिंद।